Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very, very important. So watch the lecture till the end. And if you find this lecture helpful and you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe the channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 26 अगस्त. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रेकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेकंड है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर असेंट. थर्ड स्टेटमेंट है, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग. आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है. वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू थ्री, मतलब ऑल ऑफ द अबाउट. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और ऑल दो हम इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ मेड अस स्लेव्स, द एजुकेशन बीइंग गिवन इन इंग्लिश मेक्स इंडियंस हैंडीकैप, इट हैज़ कट देम ऑफ फ्रॉम देयर सोशल मिल्यू एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स ऑन देयर ओन लैंड. किसकी क्योट है ये, महात्मा गांधी की. हमें पता है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उस पे एजुकेशन में मदर टंग का यूज़ करने पे कितना फोकस किया गया था. वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हमारे मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, वहाँ आपको एक क्योट हेल्पफुल हो सकती है. आपको नोट डाउन करके इसको रखना है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. पहली न्यूज़ क्या है कि सीएम के झारखंड के सीएम को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि उन्होंने एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया है. अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ के अंडर किसी को भी डिस्क्वालीफाई तब किया जाता है जब वो लेजिस्लेटर गवर्नमेंट के अंडर का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हुए पाया जाता है. और ऐसा किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करेगा तो वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ जो हैं उनको अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा. और इसका इंटेंशन यही है कि जो इलेक्टेड मेंबर है उसके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं अपने काम के प्रति उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए ऐसा प्रोविज़न रखा गया है. और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो कौन से बेसिक फीचर्स को एनफोर्स करने की कोशिश करता है, वो फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर का, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रहना चाहिए, सेपरेशन रहना चाहिए. अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आता है, हमारे लॉ में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट की जजमेंट्स आई है काफ़ी टाइम के साथ, उसी के हिसाब से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन को इवॉल्व किया गया है. क्या कहा जा सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक ऐसा ऑफिस है जो कि गवर्नमेंट के अंडर है किसी भी तरीके से. इसकी बेटर डेफिनेशन देखेंगे. और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो भी ऑफिस होल्डर है उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन देगा, कोई ना कोई उसका एडवांटेज उसमें होगा या फिर बेनिफिट होगा. और ऐसे जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसको इमेटीरियल, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है या नहीं उसके लिए एक टेस्ट रखा जाएगा. उस टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट. और ये टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा कि वो जो ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में आता है या नहीं. क्या कंडीशंस हैं, कि गवर्नमेंट उस ऑफिस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो या फिर गवर्नमेंट के पास पावर हो कि किसी का भी अपॉइंटमेंट जो है वो टर्मिनेट कर दे, गवर्नमेंट वहाँ एम्प्लॉइज़ की रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी डिटरमाइन करती हो, या फिर सोर्स ऑफ रिम्यूनरेशन क्या है, कहीं वो गवर्नमेंट का एक्सचेकर तो नहीं है, और उस जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उससे क्या पावर आ रही है, ये सब डिटरमाइन करने का टेस्ट लेने का एक वे है. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है, आर्टिकल 102(1), आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशन के हैं. 102 वाला एमपी से रिलेटेड है और 191 वाला एमएलए से रिलेटेड है. ये क्या कहते हैं कि कोई भी एमपी और एमएलए कोई भी
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आते हैं उनको होल्ड नहीं कर सकते। और क्या कहा गया है, अगर कोई भी पर्सन, अब ये नहीं कहा जाएगा कि अगर कोई स्टेट का मिनिस्टर है तो वो जैसे सीएम है तो वो सीएमओ को होल्ड कर रहा है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। समझ गए आप, कोई भी मिनिस्टर है वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा, उस ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा। अब आर्टिकल 102 और 191 जो हैं इनके जो प्रोविजंस हैं वो एक गवर्नमेंट पोजीशन पे रहने वाले लेजिस्लेटर पे भी अप्लाई होते हैं और उनको भी इस लॉ से, इस डिस्क्वालिफिकेशन से इम्यून रखा गया है। मतलब उनका ऑफिस भी इस डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर नहीं आएगा। पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है जिसको काफ़ी बार अमेंड भी किया जा चुका है। कौन सा लॉ है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इसमें एक एग्जेम्प्टेड लिस्ट रखी गई है। इस एग्जेम्प्टेड लिस्ट में उन पोस्ट के, उन ऑफिसेस के नाम हैं जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा। अगर सीएम को, जैसे इस केस में हुआ है कि सीएम को डिस्क्वालीफाई करने की बात की गई है, अगर सीएम को कोई एक अथॉरिटी डिस्क्वालीफाई कर दे तो वो इस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जो प्रोसेस है ना वो 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब इस केस का डिसीजन विद इन 4 मंथ्स आ जाना चाहिए। और हमें पता है अगर ऐसा सीएम के खिलाफ कोई केस चल रहा है दैट मीन्स उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, वो तब भी मिनिस्टर रह सकते हैं। ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 164 का पार्ट 4 जो कहता है कि कोई पर्सन बिना मेंबर बने भी, असेंबली या फिर पार्लियामेंट का बिना मेंबर हुए भी 6 महीने के लिए मिनिस्टर रह सकता है। अब ये जो एक्ट है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, इसने कुछ पोस्ट हैं एग्जेम्प्टेड पोस्ट जिनको डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट रखा है। कौन कौन सी पोस्ट हैं, मैंने बताया मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, मतलब कोई भी मिनिस्टर है स्टेट का, उसका अपना खुद का ऑफिस है, वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एंड पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरीज, कोई भी डिप्टी चीफ होंगे पार्लियामेंट के, वाइस चांसलर्स होंगे यूनिवर्सिटी के, कोई भी नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं या फिर टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स हैं या फिर कोई भी एडवाइसरी कमिटीज के मेंबर्स या फिर चेयरमैन हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, ये इन सब मेंबर्स को एग्जेम्प्टेड लिस्ट में रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए था। यही था इसके बारे में। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, पीगासस की बात की गई है। ऑल दो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पीगासस के बारे में देख लेते हैं। पीगासस क्या है, पीगासस एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है और इसको एक स्पाईवेयर भी कहा जा सकता है। स्पाईवेयर क्या मतलब, जो दूसरों पे नज़र रखने के लिए बनाया गया है। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है कि डिवाइसेस को एक्सेस किया जा सके बिना यूज़र की नॉलेज के और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सके। पीगासस किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था, एक इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप ने, और कब बनाया था, 2010 में। जो पीगासस का अर्लियर वर्जन था वो 2016 में रिसर्चर्स ने पकड़ लिया था और उसका काम करने का तरीका कैसा था, वो स्पीयर फिशिंग किया करता था। मतलब फोन्स को कैसे इन्फेक्ट करता था, वो टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल्स भेज के जिन पे एक मैलिशियस लिंक डाल दिया जाता था। जैसे ही कोई यूज़र उस लिंक पे क्लिक करता था तो क्या होता था, उसका जो सिस्टम है, उसका जो फ़ोन है, वो मतलब टारगेट बन जाता था। उसके बाद अब जो इन्होंने बनाया है उसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, काफ़ी एडवांस बन गया है अब पीगासस। और पीगासस के अब जो इन्फेक्शन आ रहे हैं वो विदाउट क्लिकिंग, जीरो क्लिक अटैक्स कहा जाता है इन्हें, क्योंकि बिना क्लिक किए, बिना ओनर को पता भी नहीं चलेगा, तब भी उसका सिस्टम जो है वो हैक कर लिया जाएगा एक तरह से। और एक बार ये कहा गया था कि पीगासस इस वे से काम करता है कि इवन अगर आपका फ़ोन भी ऑफ है उस टाइम भी आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली जा सकती है। अब कुछ इंटरनेशनल मैकेनिज़म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सबसे पहला ITU, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, ये
साइबर सिक्योरिटी इश्यूज में और टेली कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में एक अच्छा रोल, लीड रोल प्ले करती है। दूसरा एक कन्वेंशन है, आपको नाम याद रखना है, साइबर क्राइम से रिलेटेड बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर क्राइम पे। ये एक नेशनल ट्रीटी है जो कि सभी टाइप के साइबर क्राइम, कंप्यूटर क्राइम, इंटरनेट क्राइम को एड्रेस करती है और उनसे निपटने की इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करती है और नेशंस के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाती है। क्योंकि हमें पता है साइबर क्राइम का मतलब क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राइम हो सकता है, तो कोई भी बाउंड्रीज इसके लिए नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंस यहाँ बढ़ जाती है। कब आया था ये बुडापेस्ट कन्वेंशन, ये आया था 2004 में। और आपको ये इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो बुडापेस्ट कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हमें पता है कि NDTV को अडानी ग्रुप लेने की बात कर रहा है, कुछ इसके शेयर्स खरीदने की बात कर रहा है। न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सेबी। सेबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है किसी एक्ट के अंडर, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टेट्यूटरी बॉडी। कब बनाई गई थी ये, 12 अप्रैल 1992 में, और कौन से एक्ट के अंदर बनाई गई थी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर। इसके बेसिक फंक्शंस क्या है, ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है सो दैट सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है, लेकिन इसके रीजनल ऑफिसेज अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में भी देखे जा सकते हैं। कुछ इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमें पता है 1992 में सेबी आया, उससे पहले क्या था हमारे पास, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 था, जिसके अंडर कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज काम करता था और वो क्या था, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी था। और 1988 में सेबी को एक कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर के तौर पे बना दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, लेकिन उस टाइम क्या था, ये एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी था, इसके पास कोई भी स्टेट्यूटरी पावर नहीं थी, मतलब इसे किसी भी एक्ट के बिना बनाया गया था, जस्ट एक रेजोल्यूशन से बनाया गया था 1988 में। और 1992 में इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया और स्टेट्यूटरी पावर दे दी गई। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके मेंबर्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें एक चेयरमैन होंगे और कुछ होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। ये कमिटीज़ को अपॉइंट कर सकती है जो कि वेरियस इश्यूज़ को वहाँ जो भी टाइम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है उन पे अपने ओपिनियन रखेंगी। इसमें एक सिक्योरिटीज एपिलियट ट्रिब्यूनल भी बनाया जाता है सो दैट एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। जिन्हें ये लगता है कि सेबी का डिसीजन जो है वो गलत है, उनके लिए बनाया गया है सिक्योरिटीज़ एपिलियट ट्रिब्यूनल। और सिक्योरिटीज़ एपिलियट ट्रिब्यूनल में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं और दो मेंबर्स होते हैं। इसके पास सेम वही पावर होती है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है, कि अगर किसी पर्सन को मतलब ये लगता है कि वो इस ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील डाल सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक देख लेते हैं, सारथी एक ऐप लॉन्च किया था, किस पे था वो, इन्वेस्टर एजुकेशन से रिलेटेड था। सेबी ने लॉन्च किया था जनवरी 2022 में, ये आपको पता होना चाहिए। सारथी ऐप लॉन्च किया था सेबी ने, किस पे था, इन्वेस्टर एजुकेशन पे। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है इसमें, अभी माधवीपुरी बूच जी इसकी नई चेयरपर्सन बनी है और ऐसा सेबी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई व्यूमेन इसको हेड कर रही हैं, तो ये काफ़ी गर्व की हमारे लिए बात है। और दूसरी बात, ये 3 साल के लिए पोजीशन को होल्ड करेंगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेबी के चेयरपर्सन होते हैं उनका टेन्योर होता है 3 ईयर्स। यही था इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें पता है राजस्थान में एक केस हुआ है जहाँ एक 9 साल के बच्चे को टीचर ने मारा है जस्ट बिकॉज उसने अपर कास्ट के लिए जो पानी का पोट रखा हुआ था उसमें से पानी पी लिया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो विलेजर्स हैं वो इस कंप्लेंट को डिनाई कर रहे हैं, इस इल्ज़ाम को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। ऑल्दो इसका अभी डिसीज़न आने में, फाइनल डिसीज़न आने में टाइम लगेगा, हमें
इतने केवल नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में पढ़ना है। क्या है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो क्या करती है, एससी कास्ट जो हमारे इंडिया में है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है एनसीएससी से? आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 क्या कहता है? इसका स्टार्टिंग में प्रोविज़न ये था कि ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब था, एससी और एसटी के लिए एक ही कमीशन था, जिसकी ड्यूटी क्या थी कि जो एससी और एसटी के मेंबर्स हैं इनके लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड करना, कोई भी कंप्लेंट अगर आती है उसको इंक्वायर करना और जो इनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एडवाइस करना। 65th अमेंडमेंट से क्या किया गया, पहले ये वन मेंबर सिस्टम था, मतलब एनसीएससी में केवल एक पर्सन होता था, लेकिन 65th अमेंडमेंट से इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। और मतलब क्या कह सकते हैं, 65th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 338 को अमेंड कर दिया। उसके बाद एक अमेंडमेंट और रिलेटेड है इससे, वो है 89th अमेंडमेंट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी अमेंडमेंट से एनसीएससी और एनसीएसटी दो सेपरेट कमीशंस बना दिए गए। अभी तक एक ही कमीशन था, अब एससी के लिए अलग और एसटी के लिए अलग, दोनों के लिए अलग अलग कमीशंस बना दिए गए। और एसटी के लिए जो कमीशन बनाया गया उसके लिए एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 338A। ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एनसीएससी का, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और तीन मेंबर्स अदर होते हैं। कौन इनको अपॉइंट करता है? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और 2018 तक यही कमीशन ओबीसीज के लिए भी लॉज या फिर जो भी ड्यूटीज़ इसकी एससीज के लिए थी वही ड्यूटीज़ ओबीसीज के लिए भी ये परफॉर्म किया करता, लेकिन 102nd अमेंडमेंट से इसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर दिया गया। हमें पता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बना दिया गया बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो शेड्यूल कास्ट के उद्धार के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? आर्टिकल 15(4) है जो कि इनके एडवांसमेंट की बात करता है, इनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की बात करता है। 16(4A) क्या बात करता है कि ऐसी क्लास या फिर ऐसी सर्विसेज जहां इनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं पाया जाता है, मतलब जहां इनकी रिप्रेजेंटेशन ये नहीं लगता कि एडिक्वेट है, उस मैटर में इनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने की बात करता है, हमें पता है इनके खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। और आर्टिकल 46 जो है वो स्टेट को क्या कहता है कि इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना है, स्पेशल केयर इनको देनी है और इन्हें हर टाइप के एक्सप्लोइटेशन से बचाना है, हर टाइप के सोशल इनजस्टिस से हमें इनको बचाना है। अब हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 रिलेटेड है पंचायत से और पार्ट 9A रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटीज़ से, तो लोकल बॉडीज़ में भी रिजर्वेशन की बात इनके लिए की गई है, ये आपको सब पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली हाई कोर्ट में क्या थी, एक प्ली थी जिसमें क्या था, अग्निपथ स्कीम को लागू ना करने की, मतलब हमें पता है इम्प्लीमेंट कर दी गई है तो इसको एक तरह से डिसमिस करने की या फिर स्टे करने की बात कह दी गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि स्कीम ज़रूर लागू की जाएगी। अग्निपथ स्कीम के बारे में देख लेते हैं। अग्निपथ स्कीम इसलिए है सो दैट पेट्रियोटिक, मतलब देशभक्त और मोटिवेटेड युवा हैं जो हमारे देश के, वो 4 साल के पीरियड के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सके, उनको सर्व कर सके। और जो भी युवा इस स्कीम को ज्वाइन करेगा उसको क्या कहा जाएगा, अग्निवीर। और मैंने बताया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आर्मी को ज्वाइन करना 4 साल के लिए होगा। इसमें क्या माना गया है कि नई स्कीम के अंडर 45,000 से 50,000 सोल्डर्स को एनुअली रिक्रूट किया जाएगा और 75% को 4 साल के बाद लीव दे दी जाएगी, मतलब केवल 25% जो होगा बैच उसको सर्विस में रखा जाएगा। सर्विस में कितने सालों के लिए हमें पता है, 15 सालों के लिए, नॉर्मल एक सोल्डर जो होता है उसको 15 सालों के लिए रखा जाता है, तो केवल 25% बैच होगा उसी को रखा जाएगा, बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले
वो पर्सनल इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जो कि ऑफिसर रैंक के हैं। मतलब ऑफिसर रैंक से कम वाले, बिलो वाले ऑफिसर पर्सनल ही इस स्कीम के लिए आगे आ सकते हैं। ऑफिसर रैंक का मतलब क्या है कि जो कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं उनके ऑफिसर्स को ऑफिसर रैंक माना गया है, और ये आर्मी की हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर्स होते हैं। और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एस्पिरेंट्स जिनकी एज 17 साल से 23 साल के बीच में है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे जो युवा हैं, मोटिवेटेड और देशभक्त युवा हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए सो दैट वो अपने जज्बे और जोश के साथ आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारी जो एवरेज एज प्रोफाइल है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, उसको 4 से 5 साल घटा दिया जाएगा इस स्कीम को लागू करने के बाद। मतलब वो अपने आप ही घट जाएगी 4 से 5 साल। एवरेज एज प्रोफाइल का मतलब क्या है, अभी हमें पता है 15 साल का सोल्जर्स का जो सर्विंग पीरियड होता है आर्मी में वो होता है 15 साल का। तो जो सपोज़ किसी का लास्ट ईयर 15th ईयर चल रहा है, ऐसे पर्सन्स हमारी आर्मी में सपोज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब जब अग्निवीर आएंगे, अग्निवीर की एज लिमिट क्या रखी गई है, 17.5 से 23 साल, तो यंग सोल्डर्स हमारी आर्मी में बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एवरेज एज निकाली जाएगी जब, तो ज़्यादा एज वाले सोल्डर्स की एज प्लस जो कम एज वाले अग्निवीर होंगे उनकी एज मिला के जो एवरेज एज प्रोफाइल बन जाएगी वो 4 से 5 साल कम हो जाएगी। अभी जो एज प्रोफाइल है वो 32 ईयर्स है, और एक्सपेक्टेड है अग्निवीर जब आ जाएंगे तो ये 26 तक चली जाएगी। बेनिफिट्स क्या है अग्निवीर के, जब 4 साल का इनका सर्विस पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो इन्हें 1 टाइम सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। एक टाइम मिलेगा इन्हें 11.71 लाख का एक पैकेज, जिसमें कि इंटरेस्ट भी ऐड होगा, और ये 1 टाइम होगा, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इन्हें क्या मिलेगा, 4 साल के लिए एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा 48 लाख रुपये का। अगर डेथ हो जाती है सर्व करते टाइम, मतलब अपनी टेन्योर में ही डेथ हो जाती है 4 साल के टेन्योर में, तो फैमिली को 1 करोड़ तक पे किया जाएगा, इंक्लूडिंग जो बचा हुआ टेन्योर है उसकी भी सैलरी, उसकी भी पेमेंट फैमिली को की जाएगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, जो 4 साल के बाद सोल्डर्स को निकाल दिया जाएगा उनको रिहैबिलिटेट करेगी, मतलब स्किल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाएगी, कोर्सेज प्रोवाइड करवाएगी, सो दैट उनको हाई स्किल्ड जॉब मिल सके। लेकिन अब कंसर्न्स क्या आ रहे हैं, ये कहा गया है एक बार अग्निवीर में आने के बाद दूसरी जॉब को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये 4 सालों का, 4 सालों के बाद 25% को रखा जाएगा और बाकियों को निकाल दिया जाएगा। 4 साल की सर्विस का मतलब क्या है कि जो बाकी अदर जॉब्स हैं वो आउट ऑफ रीच हो जाएंगी, उनको पाना मुश्किल हो जाएगा, और पीयर्स से मतलब अपने साथ वालों से अग्निवीर्स पीछे हो जाएंगे। पेंशन का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, 1 टाइम लमसम दिया जाएगा 11.71 लाख का, ये भी क्या है, पेंशन ना मिलना भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट कैलकुलेट किया जा सकता है। इसलिए पेंशन नहीं मिल रही है, इसके लिए इन्हें सेकंड जॉब लेना एसेंशियल हो जाएगा, क्योंकि पेंशन के जो अमाउंट है उसके बेसिस पे अपनी लाइफ नहीं गुजार पाएंगे। और जॉब लेना अग्निवीर्स के लिए मैंने बताया कैसे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जो ट्रेनिंग है ये इम्पॉर्टेंट है, हमें पता है अग्निवीर्स जब 4 साल के लिए आर्मी को सर्व करेंगे तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेनिंग है वो अनयूटिलाइज्ड रह जाएगी, मतलब 4 साल के बाद जो 75% पर्सनल को निकाल दिया जाएगा उनकी ट्रेनिंग अनयूटिलाइज्ड रह जाएगी, और हमारी जो फोर्स है आर्मी नेवी एयरफोर्स उनके पास से एक्सपीरियंस होल्डर कम हो जाएंगे। हमें पता है, मैंने आपको बताया टेक्निकल ट्रेनिंग इनको दी जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है अग्निपथ स्कीम का, ये हमें फ्यूचर रेडी सोल्डर्स बना रही है। हमने देखा यूक्रेन में जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो भी रशिया से लड़ने के लिए आगे आए, तो ऐसी कंडीशन हमारे देश के साथ भी कभी हो सकती है, उस कंडीशन में हमें फ्यूचर रेडी सोल्डर्स बनाया जा रहा है।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाएगा। इससे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो स्किल्स और एक्सपीरियंस 4 साल के दौरान सोल्डर्स एक्वायर करेंगे, उससे उनको वेरियस फील्ड्स में एम्प्लॉयमेंट मिलना आसान हो जाएगा। हाई स्किल्ड वर्क फोर्स हो जाएगी। अग्निपथ स्कीम क्या होगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी हमारे सोल्डर्स की, ओवरऑल GDP ग्रोथ करेगा, और उससे क्या होगा, हायर स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी इकोनॉमी में आ जाएगी। ये आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये आर्टिकल जो अभी राजस्थान में रिसेंटली 9 साल के बच्चे के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन इसमें एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने पूरा आर्टिकल देख लिया है, एक डाटा इम्पॉर्टेंट आता है। डाटा क्या है? राजस्थान हमें पता है ज्योग्राफी की टर्म्स में हमारी कंट्री की लार्जेस्ट स्टेट है, ये आपको पता होगा, पता होना चाहिए। और राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 18% SCs हैं, 13% STs हैं, राजपूत 9% हैं और ब्राह्मिन्स हैं 7%। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और ये जो SC और STs पे एट्रोसिटीज़ होती रहती हैं इसकी वजह से इसके ऊपर ऐसे आने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये एथिक्स में भी एक केस स्टडी बन सकती है कि अगर आप DM हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई केस आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आपको इस टॉपिक के बारे में चारों तरफ से सोचना है। उसके बाद एक डाटा ये इम्पॉर्टेंट है कि SCs और STs के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़ की जाती है, मतलब उन पे जो अत्याचार किया जाता है, उसमें राजस्थान जो है वो 4th नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, और 4th नंबर पे राजस्थान। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस आर्टिकल में आज कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल को मैंने एडिटोरियल आया था उसमें कवर किया था काफ़ी अच्छे से, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले आया था, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल द आर्टिकल हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एक सस्पेंडेड MLA हैं BJP के, उनको सेकेंड टाइम अरेस्ट कर लिया गया है 3 दिन के अंदर। तो इसमें आर्टिकल में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में आया है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले, फिर जो एक्ट इससे रिलेटेड है उसको देखेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी देखने से पहले हमें डिटेंशन के बारे में पता होना चाहिए। डिटेंशन का मतलब क्या है? किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को, उसकी आज़ादी को ख़त्म करना बिना उसकी नॉलेज के। अब 2 टाइप के डिटेंशन होते हैं, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। इस लेक्चर में हम प्रिवेंटिव के बारे में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं पहले। सबसे पहले डिटेंशन से कौन कौन से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 22 है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? सर्टेन केसेस में अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। आपको ये बताना है कि आर्टिकल 19 से 22 एक राइट टू डैश कौन से फ्रेज के अंदर इनको रखा जाता है। आर्टिकल 19 से 22 को कौन से फ्रेज के अंदर, राइट टू डैश, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद आर्टिकल 22 का पार्ट 1 जो है वो क्या कहता है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन है उसको उसके पास राइट टू कंसल्ट है, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब एक वकील की हेल्प वो अपने चॉइस के ले सकता है, और उसको ऐसा करने से डिनाई नहीं किया जा सकता आर्टिकल 22(1) के तहत। और आर्टिकल 22(1) और क्या कहता है कि पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी 2 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से पर्सनल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ किया जा सकता है। मतलब 2 रीजंस क्या बताए मैंने, स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, ये 2 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है और उसकी पर्सनल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 22(4) क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को, अनलेस कोई लॉ ना हो इसके रिगार्डिंग, उस केस में उसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, प्रिवेंटिव डिटेंशन उसे नहीं किया जा सकता। अगर 3 महीने से आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो आपके पास क्या कंडीशंस है कि कोई एडवाइसरी बोर्ड आपको रिपोर्ट कर दे इसके डिटेंशन को बढ़ाने के लिए, या फिर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना दे
कि उस पर्सन को उसके अकॉर्डेंस में डिटेन किया जा सके। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इंस्टेंस में उसको मैक्सिमम 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट जो था उसमें ये डिटेंशन पीरियड को 3 महीने से 2 महीने करने की बात की गई थी, लेकिन ये प्रोविज़न एक्ट में नहीं आया, मतलब इसको लाया ही नहीं गया, इसको यूज़ नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो अभी ओरिजिनल पीरियड 3 महीने ही माना जाता है। अब देख लेते हैं जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसकी एंट्री 9, पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है कि वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के मैटर्स में कोई भी लॉ बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके। क्या कंडीशंस रखी गई? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी को लेके वो कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लॉ बना सकता है। अब कंक्रेंट लिस्ट का एंट्री थी क्या कहती है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या फिर किसी कम्युनिटी को कोई एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी ऐसे लॉ को बना सकती है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर कोई लॉ बना सकती है। ये दो एंट्रीज थी जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देती हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लॉ बनाने की। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में क्या होता है, ये एक एंटिसिपेटरी मेजर है, मतलब अभी तक कोई क्राइम हुआ नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, सस्पिशन है, शक है हमें कि वो पर्सन जो है वो क्राइम कर सकता है फ्यूचर में, इसलिए उस क्राइम को बचाने के लिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। लेकिन जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है वो कब किया जाता है, जब एक पर्सन का प्रूव हो जाता है कि इसने कोई प्रूव नहीं हो जाता, ये होता है कि जब हमें पता हो कि ऑफेंस हो चुका है, कोई क्राइम हो चुका है, उसके बाद किसी पर्सन को अगर डिटेन किया जाता है तो वो क्या होता है, डिटेन किया जाता है, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर किया जाता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज कौन से हैं, मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, यही न्यूज़ में था, इसी के लिए हमने ये पूरा पढ़ा है। पार्लियामेंट ने इसको पास किया था सो दैट किसी भी पर्सन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी के लिए डिटेन किया जा सकता है, ये इसमें कहा गया। उसके बाद फर्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि इससे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से रिलेटेड था, और कोर्ट ने इसमें इसकी वैलिडिटी को सही ठहराया। और कोर्ट ने क्या कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह वॉयलेट नहीं करता है। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या केस था, ये कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो हमारी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर जो आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को हमारी ख़त्म कर दिया जाता है, तो इस बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि ये एक्ट जो है वो किसी भी तरह फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं करता है। और दूसरा केस क्या था, राम मनोहर लोहिया वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 3 कॉन्सेप्ट्स को उठाया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर को, 3 कॉन्सेप्ट्स को उठाया और इनकी टर्म्स डिफाइन करने की कोशिश की, इनके बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट ने क्या कह दिया लास्ट में कि केवल अभी तक सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ये 3 डोमेन थे, अब केवल लॉ एंड ऑर्डर ऐसा डोमेन होगा जिसके बेसिस पे एक डिटेंशन ऑर्डर लागू किया जा सकता है। मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है उस पर्सन की वजह से या पॉसिबिलिटी है ख़त्म हो सकता है, उस बेसिस पे केवल डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाएगा। लेकिन क्या कहा है, यहाँ एक लूप होल और डाल दिया, इसने ये भी सजेस्ट कर दिया कि केवल कोर्ट ये देखेगा कि रियली में लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट हो रहा है या नहीं, मतलब कोर्ट ही एग्जामिन करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को कितना खतरा है भी या नहीं, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है, कोर्ट के पास। यही था इसमें, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम रोहिंग्या पे एक आर्टिकल आया है, आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पूरा रीड कर लिया है, आर्टिकल में कुछ भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहिंग्याज के बारे में देख लेते हैं, रोहिंग्याज मुस्लिम्स हैं हमें पता है, और इनको UN ने मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी के तौर पे क्या किया है,
डिस्क्राइब किया है। उसके बाद 2017 में म्यांमार की मिलिट्री ने इन्हें भगा दिया था, और वहाँ के डिस्क्रिमिनेशन और वॉयलेंस से बचने के लिए जो रोहिंग्या माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं वो वहाँ से भागकर कहाँ गए, नेबरिंग बांग्लादेश और इंडिया में। इश्यूज़ क्या हैं? हमारी सिक्योरिटी को इससे खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी को इससे खतरा है, क्योंकि एक तो इनका इल्लीगल इमिग्रेशन हो रहा है, ऊपर से इनका कॉन्टिन्यूड स्टे, मतलब हमारी कंट्री में कॉन्टिन्यू रह रही हैं, ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उसके बाद क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है लोकल पॉपुलेशन के साथ। अब किसी एरिया में अगर लोग बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो लोकल पॉपुलेशन को ये पसंद नहीं आ रहा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वो पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने के लिए सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे, और जो सिटीजन्स हैं, लोकल्स हैं, उनको भड़काएंगे माइग्रेंट्स के खिलाफ, और क्या करेंगे, पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, ये लालच देके कि हम लोग इन लोगों को निकाल देंगे यहाँ से, इस टाइप के लालच से पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मिलिटेंसी कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकल्स जो हैं वो मुस्लिम्स पे, रोहिंग्या मुस्लिम्स पे अटैक करेंगे, उनसे मैंने आपको बताया कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो मिलिटेंसी उस केस में बढ़ जाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बढ़ी हुई देखी जा सकती है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन स्मगलिंग और वीमेन की ट्रैफिकिंग वैसे भी नॉर्मली आजकल बढ़ी हुई देखी जा सकती है, और रोहिंग्यास के नाम पे ये इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, और लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, क्योंकि ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स है ये इल्लीगल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज पाए जा सकते हैं। मतलब हो सकता है कि इल्लीगल माइग्रेंट्स के नाम पे ये लोग इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हों, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हों। आपको अभी रिसेंट पता होगा, 4-5 दिन पहले की बात है, न्यूज़ आई थी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने UIDAI, जो कि हमारी आधार कार्ड की सारी डिटेल्स को रखती है, उससे 6 रोहिंग्या मुस्लिम्स की डिटेल्स मांगी थी। और वो किस बेसिस पे मांगी थी, क्योंकि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये शक था कि जो रोहिंग्याज हैं, वो 6 लोग हैं, वो किसी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। उस टाइम भी मैंने आपको रोहिंग्याज के ऊपर पूरा आर्टिकल अच्छे से समझाया था, रोहिंग्याज के बारे में बताया था। आज एक नया टॉपिक मैंने इसमें ऐड कर लिया है, भाषण 4 आइलैंड। हमें पता है कि बांग्लादेश जो है वो चाहता था कि 1,00,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज को इस आइलैंड पे भेज दिया जाए, सो दैट उसके जो बॉर्डर कैंप्स हैं वो ओवरक्राउडेड हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ उनमें हो गए, उसको कम किया जा सके। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि रोहिंग्यास मान गए थे, भाषण 4 आइलैंड पे जाने के लिए रोहिंग्यास मान गए थे। भाषण 4 आइलैंड को थेंगेर 4 आइलैंड भी कहा जाता है, और भाषण 4 आइलैंड जो है वो मेघना रिवर के माउथ पे बना है। अभी रिसेंटली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 डिकेड पहले ही, मतलब 20 साल पहले ही ये बना है। और इसके 30 किलोमीटर ईस्ट में कौन सा आइलैंड पाया जाता है, हाटके आइलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, यहाँ फ्लड्स और साइक्लोन्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने रोहिंग्यास के लिए क्या किया है, 3 मीटर की एम्बार्कमेंट यहाँ लगाई है, सो दैट जो हाई टाइडल सर्जेज आती हैं साइक्लोन्स में, हमें पता है पानी की लहरें आती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो उन सब से बचाव किया जा सके। ये था रोहिंग्यास के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ एक हमारे पास केरला से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या कहा गया है कि स्टेट का, केरला स्टेट का मॉनसून पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ये इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि जुलाई की जगह अगस्त में वहाँ रेनफॉल पीक पे हो रही है, मतलब ज़्यादा रेनफॉल जुलाई में होनी चाहिए थी, लेकिन आजकल कुछ सालों से हो क्या रहा है, अगस्त में जुलाई से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली है। उसके बाद स्टेट ने अपने जो फ्लड मेजर्स हैं उनको इम्प्रूव किया है, और 2018 के कंपैरिजन में फ्लड से जो डैमेज होता था वो काफ़ी कम हो गया है। इस बार क्या देखा गया है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी 2022 में कम रही है, लेकिन जो न्यू डैम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स केरला ने अडॉप्ट किए हैं, जो कि बेस्ड हैं ग्लोबल वेदर मॉडल्स पे, इन्होंने क्या किया है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया है और बेटर फ्लड मैनेजमेंट करने में हेल्प की है।
सो दैट रिजर्वर लेवल्स को भी चेक किया गया और मतलब ध्यान में रखा गया, जो लेवल है उनको डेंजर मार्क होने से पहले ही अडेप्टेशन मेजर अपना लिए गए, सो दैट काफ़ी सारा जो डैमेज है वो बचाया जा सका, कम हुआ डैमेज। अब इस आर्टिकल में हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है, इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि इन्होंने बताया कि जो बिगेस्ट हर्डल था केरला के लिए वो ये था कि वेदर प्रेडिक्शन इनकंसिस्टेंट होता था, वेदर प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं होता था, इसलिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता था अपने आप को क्या करने का, अपने आप को सेट करने का, अपने आप को तैयार करने का डिज़ास्टर से लड़ने के लिए। अब ये रिवर्स हैं, रिवर्स के नाम सबसे पहले आप देख लीजिए, पेरियार रिवर है, मीनाचिल रिवर, पाम्बा रिवर और मुवत्तुपुझा रिवर। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये सभी रिवर्स कहाँ की हैं, केरला की हैं। अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ दो चीज़ और देख लेते हैं, पेरियार रिवर हमें पता है केरला की लार्जेस्ट रिवर है। उसके बाद एक बात आती है केरला में है वेम्बनाड लेक, ये लेक क्या है, केरला की लार्जेस्ट लेक है और इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। डिफरेंस पता होना चाहिए यहाँ लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट है, केरला की ये लार्जेस्ट लेक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिंग लेक है। उसके बाद इस रिवर के जो सोर्सेज है वो कौन कौन है, मीनाचील, अचनकोविल, पंपा, मनीमला, मुवत्तुपुझा और 5 अदर जो रिवर्स हैं वो इसकी सोर्सेज हैं इस लेक की। यहाँ मीनाचील का नाम आ गया, पंपा का नाम आ गया और मुवत्तुपुझा का नाम आ गया। यहाँ हमने देखा था ये पंबा है, पंपा लिखा हुआ है, गलत है, पंबा है ये, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको पता होना चाहिए एक केरला में स्नेक बोट रेस होती है, नाम है उसका वल्लमकली, जिसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी कहा जाता है। ये हर साल अगस्त के महीने में होती है, वेम्बनाड लेक में ही ये होती है। उसके बाद लेक को 2002 में रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। आपके लिए काम ये है आपको बताना है रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में टोटल कितने इंडियन साइट्स हैं, ये आपका काम है, और रिसेंटली कोई ऐड हुई है तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और सुंदरबन के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की वो वेम्बनाड लेक ही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। वेम्बनाड वेटलैंड जो है उसको नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर भी आइडेंटिफाई किया गया है, सो दैट इसको कंजर्व किया जा सके। यहाँ एक बर्ड सेंचुरी भी पाई जाती है लेक के ईस्ट कोस्ट में, लेक के ईस्टर्न साइड में कुमारकोम बर्ड सेंचुरी पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या है, वेम्बनाड लेक से 2019 में एक आइलैंड सेपरेट हो गया, क्या नाम था उसका, विलिंगडन आइलैंड। अब आप ये देखिए एक आर्टिकल से हमने कितनी सारी चीज़ें कवर कर ली, ये रिवर्स के नाम देख लिए, रिवर्स बनाते हैं वेम्बनाड लेक का सोर्स, ये सब देख लिया, एक वल्लमकली हमने स्नेक बोट रेस होती है केरला की वो देख ली, उसके बाद हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में बात कर ली, रामसर कन्वेंशन के बारे में डिटेल में आप बताने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, इसको नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर भी रखा गया है, हमें एक बर्ड सेंचुरी के बारे में भी पता चल गया और एक जो आइलैंड अलग हुआ इससे उसके बारे में भी पता चल गया। तो एक आर्टिकल से हमने इसको कितना अच्छे से डिकोड कर लिया, इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास, हमें पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी पंजाब जब वो गए थे, तो इससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, हमें पता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ऐसी प्रोटेक्शन ग्रुप है जो कि पीएम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, तो हमारे लिए इस टाइम एसपीजी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं एसपीजी के बारे में, इसको बीरबल नाथ कमेटी जो कि 1985 थी उसकी रिकमेंडेशन पे क्रिएट किया गया था, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तीन साल तक इसके पास कोई लेजिस्लेशन नहीं था, मतलब बिना किसी लेजिस्लेशन के ये काम करती थी, लेकिन राजीव गांधी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने एक स्टेट्यूटरी शेप इस बॉडी को दे दी, मतलब एक लॉ बना दिया और इसको एक क्या बना दिया, स्टेट्यूटरी बॉडी बना दिया। आपको पता होना चाहिए जो एसपीजी है वो प्राइम मिनिस्टर को और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्लस उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं जो उनके साथ रहते हैं ऑफिशियल रेजिडेंस में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है।
जो SPG है जिनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, मैंने बताया PM और फॉर्मल PM और उनके परिवार वालों को, वहाँ इंडिया में भी और अब्रोड भी दोनों जगह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना SPG का काम होगा। उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, उनके पास चॉइस है, अगर वो चाहें तो डिक्लाइन भी कर सकते हैं SPG का प्रोटेक्शन। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जब वो ऑफिस को छोड़ेंगे उससे 5 साल के बाद तक के लिए ये प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद इस प्रोटेक्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और जो SPG और इसके एम्प्लॉयज़ हैं ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के परव्यू से एक्सक्लूडेड है, हमें पता है रिटायरमेंट के बाद भी एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि एज वी नो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप मतलब क्या है कि जिन्हें PM की सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, PM के बारे में इनके पास काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो ऑब्वियसली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर कोई भी इन्फॉर्मेशन से नहीं मांगी जा सकती। PM सिक्योरिटी पे क्या है, SPG ही प्रोटोकॉल सेट करती है, और जो SPG एक्ट है उसका सेक्शन 14 क्या कहता है कि किसी भी स्टेट में अगर PM जाएंगे तो उस स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो SPG को सभी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाए, जो भी उन्हें चाहिए असिस्टेंस वो प्रोवाइड करवाने की ड्यूटी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, हमारी गवर्नमेंट ने वीट फ्लोर का एक्सपोर्ट लिमिटेड कर दिया है सो दैट जो प्राइस राइज हमारी कंट्री में हो रहा है उसको रोका जा सके। क्या कहा गया है, हमारे सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, हमें पता है दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वीट की, जो कि 1/4 अराउंड 1/4 जो ग्लोबल वीट ट्रेड होता है वो इन दोनों कंट्रीज़ की वजह से रुका हुआ है, इस वजह से प्राइस काफ़ी हाई हो गया है। और क्या हुआ है, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट लिमिटेड करना पड़ा है। वीट के बारे में देख लेते हैं, इंडिया में ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, फर्स्ट कौन सी है, राइस है, और ये नॉर्दर्न इंडिया की नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट की मेन फूड क्रॉप है। ये एक राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप कौन सी होती है, जिन्हें सर्दियों में उगाया जाता है, और इसको क्या चाहिए, एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठंडा मौसम इसको चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए जब इसका पकने का टाइम आता है। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से राबी क्रॉप्स की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वीट की स्पेशली, इसको टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच जब इसको बोया जाता है, और जब इसको पकना होगा और हार्वेस्ट करना होगा, कटाई होगी, उस टाइम पे इसको टेम्परेचर चाहिए 21 से 26, ब्राइट सनलाइट की इसको रिक्वायरमेंट होती है, रेनफॉल अराउंड 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, सॉइल टाइप कौन सी सॉइल इसके लिए सुटेबल रहती है, वेल ड्रेन्ड, मतलब पानी उसमें अच्छे से होना चाहिए, फर्टाइल लोमी एंड क्ले लोमी, ये दो सॉइल्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, गंगा सतलुज प्लेन्स में और डक्कन की ब्लैक सॉइल रीजन में। टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है, सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करती है उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड देन गुजरात, ये आपको ऑर्डर थोड़ा सा रिमाइंड रखना है। उसके बाद रशिया जो है वो वीट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और टोटल जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें रशिया का शेयर 18% का है, और रशिया और यूक्रेन ने 2019 में टोटल वर्ल्ड को 25.4% 1/4 कहा गया था, ये 1/4 है टोटल वीट का जो एक्सपोर्ट है ये दोनों देश मिलके करते हुए। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए प्रोड्यूसर तो है सेकंड लार्जेस्ट लेकिन एक्सपोर्टर नहीं है इंडिया। टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा वीट को एक्सपोर्ट करती है, रशिया, US, कनाडा, फ्रांस एंड यूक्रेन, ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया नहीं है। इंडिया ऑल्दो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेकिन हमारी खुद की पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है लेबर कोड से रिलेटेड। लेबर कोड हमें पता है 29 लेबर कोड्स को 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है,
हमारे पीएम ने क्या कहा है, ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो लॉज थे, लेबर लॉज थे, वो स्लेवरी मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम के थे, इसलिए ये क्या करते थे, शो करते थे एक पीरियड ऑफ स्लेवरी को, इसलिए इनको अबॉलिश कर दिया गया है। और क्या कहा गया है कि इसके थ्रू वर्कर्स का एम्पावरमेंट होगा, उनको मिनिमम वेजेस का प्रोविज़न दिया गया है, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी, वर्क स्पेसेस को फ्लेक्सिबल बनाने की बात की गई है और वर्क फ्रॉम होम का जो इकोसिस्टम है उसको बूस्ट करने की बात की गई है, फ्लेक्सिबल वर्कर्स रखने की बात की गई है और वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए वुमेन को एनकरेज करने की बात की गई है। देख लेते हैं थोड़ा सा लेबर लॉज के बारे में। लेबर लॉज के 4 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहला है कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। ये 4 जो नए लेबर कोड्स हैं वो हैं। सबसे पहले कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 को देख लेते हैं। इसका एम क्या है कि जो पुराने और जो आज के टाइम पे इररिलेवेंट लेबर लॉज हैं उनको ज़्यादा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना और मिनिमम वेजेस को इंट्रोड्यूस करना, जिसके साथ साथ हमारी कंट्री में क्या है, लेबर रिफॉर्म्स लाए जा सके। सेकंड, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि सभी एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ में, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, वहाँ वेजेस और बोनस को, ये आपको ध्यान रखना है, वेजेस के साथ साथ बोनस को भी रेगुलेट करना इसका काम होगा। इसमें 4 लेबर लॉज को रखा गया है। 4 लेबर लॉज कौन से हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इन 4 को इसमें सब्स्यूम कर दिया गया है। और क्या कहा गया है कि जो मिनिमम वेजेस का प्रोविज़न है इसको यूनिवर्सलाइज कर देना है, हर सेक्टर में मिनिमम वेजेस का प्रोविज़न लागू होना चाहिए और सभी एम्प्लॉयज़ को अपनी वेजेस टाइमली मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे कोई भी वेज हो, उनको अपनी टाइमली पेमेंट मिलनी चाहिए। और क्या कहा गया है, राइट टू सस्टेनेंस है हर वर्कर के पास, मतलब अपना गुजारा करने का राइट है, सो दैट मिनिमम वेज उन्हें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि कोई भी एम्प्लॉय होगा उसको, जैसे करंट मंथ में काम किया, नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक उसको अपनी सैलरी मिल जानी चाहिए। जो वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको वीक के लास्ट डे मिल जानी चाहिए और डेली वेजर्स को सेम डे अपनी सैलरी मिल जानी चाहिए, जो भी उनकी वेज है वो मिल जानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फ्लोर वेज डिसाइड की है वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज़ के अकॉर्डिंग। हमें पता है डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज़ में डिफरेंट डिमांड्स हो सकती है, डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं लोगों के, इसलिए फ्लोर वेज डिसाइड की गई हैं। और जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो फ्लोर वेज से हर कीमत पे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। फ्लोर वेज का मतलब ऐसा है, ऐसा मान लीजिए कि फ्लोर वेज उसको कहेंगे बिल्कुल गुजारा करने के लायक जितना पैसा लोगों को चाहिए, और मिनिमम वेज क्या होती है, सो दैट उसमें 2-3 चीज़ें और इंक्लूड कर दी जाती है, जैसे सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट बिल देख लेते हैं। नेक्स्ट बिल कौन सा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। ये जो इससे पहले किसको ये रिप्लेस करेगा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 को। और इसमें क्या प्रोविज़न था कि कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, उसके एम्प्लॉयर को क्लियरली एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस और वहाँ के रूल्स डिफाइन करने होंगे, सर्विस रूल्स की तरह उनको वर्कमैन जो होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको बताना होगा। 100 एम्प्लॉयज़ पे ये बात लागू होती थी, लेकिन अब जो नया प्रोविज़न आया है उसमें क्या कहा है, कोई भी इंडस्ट्रियल इंस्टेब्लिशमेंट है जहाँ 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ ऐसा उन्हें करना होगा, मतलब जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो उनको बतानी होंगी सभी एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद एक नई कंडीशन रख दी इसने लीगल स्ट्राइक रखने के लिए, क्योंकि क्या था, एट प्रेजेंट जो है वो कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, मतलब जो लोगों के डेली काम आने वाली पब्लिक यूटिलिटी है उसकी सर्विस में अगर कोई पर्सन है तो वो 6 वीक का नोटिस दिए बिना स्ट्राइक पे नहीं जा सकता था और ऐसा नोटिस देने के 14 दिन के बाद तक वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता था। अब क्या कर दिया गया है,
60 डे का नोटिस देना होगा, और जब कोई भी चाहे अगर उसकी कंप्लेंट किसी ट्रिब्यूनल के पास गई हुई है, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके बाद उस प्रोसीडिंग के ख़त्म होने के बाद भी, उसका डिसीज़न आने के बाद 60 डेज तक भी वो स्ट्राइक नहीं कर सकता। और क्या कहा गया है इसमें, एक रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए, और इसके लिए कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, एम्प्लॉयर खुद करेगा, और वो किसके इक्वल होगी अमाउंट, वर्कर जो 15 दिन में लास्ट काम किया है, जितना काम उसने 15 दिन में लास्ट किया है उसकी जो अमाउंट बनती है उसके इक्वल ये रीस्किलिंग फंड होगा। नेक्स्ट बिल है सोशल सिक्योरिटी कोड बिल। ये बात करता है कि एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगमेंट करेगा ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सुटेबल स्कीम बनाने के लिए एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने की बात की गई है। उसके बाद जो गिग वर्कर्स जहां काम करेंगे वहां उन्हें अपनी सैलरी का 1-2% अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और सॉरी नॉट गिग वर्कर्स, जो गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे एम्प्लॉयर्स, दैट मींस उनको अपने टर्नओवर का 1-2% सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और वो अमाउंट जो लास्ट में बन जाएगी पूरे साल के लास्ट में वो जो बन जाएगी वो जो एम्प्लॉई है उसकी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो अमाउंट। मैं दोबारा बता देती हूँ, शायद मैंने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी है। जो भी गिग वर्कर्स होंगे उनके जो एम्प्लॉयर्स होंगे उन्हें 1-2% अपने एनुअल टर्नओवर का सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, और वो अमाउंट जो होगी 1-2% कलेक्ट करते करते पूरे साल, वो 5% उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो अमाउंट जो एम्प्लॉयर है वो गिग वर्कर्स को पे करता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया 1,000 रुपये प्रति महीना गिग वर्कर्स को पे किए जाते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो मतलब एक साल में हो गए 12,000 रुपये, और 1-2% इन्हें सोशल सिक्योरिटी के लिए देना है। 1% देने का मतलब क्या है, 10 रुपये। उसके बाद 120 रुपये टोटल हो जाएंगे एक साल के, और 120 रुपये क्या 12,000 के 5% से ज़्यादा हैं, नहीं है। तो यही कहा गया है, वो 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब लास्ट जो है कोड बिल वो देख लेते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। ये क्या कहा गया है, इसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को डिफाइन किया गया है कि ऐसा वर्कर जो अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से दूसरी स्टेट में आके काम करे और कितने 18,000 रुपये महीने तक कमाता हो, उसको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन में रखा जाएगा। और ये जो नई डेफिनेशन आई है, इसने जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन थी उससे एक डिफरेंस बना दिया है। सबसे पहले हमारे पास केवल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन थी, अब हमारे पास इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन भी आ गई है। और जो पहला इससे पहले प्रोविज़न था उसमें क्या कहा गया था कि वर्कर्स के लिए वर्क साइट के आसपास ही एक टेम्परेरी एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन अब इसको ड्रॉप कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, और अब क्या कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर होगा वो वर्कर्स को एक जर्नी अलाउंस प्रोवाइड करवाएगा, एक लंपसम अमाउंट ऑफ फेयर, मतलब जो किराया उनके आने जाने का है उसकी एक प्रॉपर अमाउंट एम्प्लॉयर जो वर्कर्स होंगे उनको प्रोवाइड करवाएगा, सो दैट वो अपनी नेटिव प्लेस से जो उनकी एम्प्लॉयमेंट की प्लेस है वहाँ तक ट्रैवल कर सकें। ये था इसके बारे में। अब इस आर्टिकल में एक बात हुई है इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम की, इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्कीम लॉन्च की गई थी मई 2020 में, और किसके अंडर, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंडर, सो दैट कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगाया था तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रेस हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स को, उसको थोड़ा कम किया जा सके। कैसे कम करने की बात की गई है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाएगा। मेनली किसको प्रोवाइड करवाया गया, एमएसएमईज को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धक्का है
कोरोना वायरस का वो इन्हीं को लगा था, इन्हीं के इस्टेब्लिशमेंट पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी। ये था उसके बाद। नेक्स्ट हमारे पास ये न्यूज़ है। न्यूज़ हमारे लिए एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये कहा गया है कि इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनका काफ़ी अच्छा बफर है, और कोई भी डिफ़िकल्टीज जैसे ग्लोबल वर्ल्ड में आती रहती है तो इंडिया उससे आसानी से लड़ सकता है। इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बैलेंस शीट है और एक्सटर्नल डेट जो है वो हमारा कम है, ये बात इसमें की गई है। एग्ज़ाम के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व? ये वो एसेट्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक रिज़र्व करके रखती है। किसकी फॉर्म में होते हैं? फॉरेन करेंसीज़ की फॉर्म में होते हैं, जिनमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है? बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी। और मेनली ये नोट करने की बात है, जो मेनली फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व रखे जाते हैं वो डॉलर की फॉर्म में रखे जाते हैं। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व पोजीशन विद द IMF। ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रीवियस ईयर में UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है, मैंने 3-4 दिन पहले इसको पूछा भी था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के, आज ये यहाँ टॉपिक भी आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यही था। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट हमारे पास हैं दो कॉन्सेप्ट, रिटेल इन्फ्लेशन एंड रेपो रेट। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? CPI जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इससे रिटेल प्राइस मॉनिटर किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेक किया जाता है, उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस मूवमेंट है उसको चेक किया जाता है, रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी प्राइस को चेक किया जाता है कि वो रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे कितना बढ़ रही है या फिर कितना कम हो रही है। और जो भी प्राइस इंडेक्स में किसी टाइम के दौरान चेंजेस आते हैं उसको क्या कहा जाता है? CPI बेस्ड इन्फ्लेशन या फिर रिटेल इन्फ्लेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब रेपो रेट के बारे में देख लेते हैं। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिससे कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को, जब उनके पास फंड्स नहीं होंगे उस केस में लोन देगा। हमारे केस में सेंट्रल बैंक RBI है, तो जब RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, जब उनके पास फंड की कमी हो जाती है, जिस रेट पे वो देता है उसको क्या कहा जाता है? रेपो रेट। ये आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए थी। अब यहाँ एक आर्टिकल है, आर्टिकल में कुछ चीज़ें याद रखने की हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम इंफ्रा की जो नॉर्म्स थी उनको ईजी कर दिया है, सो दैट 5G का जो नेटवर्क है उसको बूस्ट किया जा सके। अमेंडमेंट में क्या किया गया है? फ़ी को रेशनलाइज कर दिया है, फ़ी को कम कर दिया है एक तरह से, और जो क्लियरेंस विंडो थी उसको सिंगल विंडो कर दिया। मतलब हमें काफ़ी सारे जगह से क्लियरेंस चाहिए होता था पहले, अब उसको सिंगल विंडो कर दिया, मतलब एक जगह से आपने क्लियरेंस लिया एंड दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर दिया गया है? पहले अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई लगाना था तो आपको अथॉरिटी का कंसेंट लेना पड़ता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, अब आप बिना कंसेंट लिए भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। और ऐसा कौन से रूल्स को अमेंड करके किया गया है? इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 को। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो हमारा स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो गलियों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, उसमें भी 5G के छोटे छोटे सेल्स को लगाया जा सकेगा। इजी नॉर्म्स हो गई हैं इस वजह से, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये एक आर्टिकल है, एक कंपनी है सैमसोनाइट नाम की, ये एक लगेज मैन्युफैक्चरर कंपनी है ग्लोबल। इसके अभी तक 3 ही यूनिट्स हैं, एक है नासिक में, दूसरा बेल्जियम में और तीसरा हंगरी में, मतलब यूरोप में और इंडिया में है। अब क्या कहा है कि जो इसकी लार्जेस्ट प्रोडक्शन यूनिट है वो इसने नासिक में लगाने की बात की है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। आर्टिकल हमारे लिए फिर से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात आई है यहाँ चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की। ये स्ट्रेटेजी क्या है देख लेते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कंपनीज जो हैं वो चाइना में इन्वेस्ट करने से बचती हैं, केवल चाइना में इन्वेस्ट करने से। यहाँ ओनली इन चाइना वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है,
और अपने बिजनेस को क्या करती है, डाइवर्सिफाई करती हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। और ये कब मेन न्यूज़ में आई, ये आई कोरोना वायरस के बाद। कोरोना वायरस के बाद क्या हुआ हमें पता है, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लग गया और कहा जाता है कि उसमें चाइना का ही हाथ है। एज सच अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, चाइना ने ये माना भी नहीं है, लेकिन ऐसा पूरा वर्ल्ड मानता है कि चाइना का ही इसमें हाथ था। तो कंपनीज़ ने क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि वो केवल एंड केवल चाइना में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाएंगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ में डाइवर्सिफाई कर देंगी। सो दैट किसी एक कंट्री में कोई इशू चल रहा है तो उसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन है उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े। ये आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। अब एक लास्ट जो है वो क्या है, इंडियंस को जो है वो यूके वीज़ा सबसे ज़्यादा मिलते हैं, चाहे वो यूके स्टूडेंट का वीज़ा हो, स्किल्ड वर्कर का हो या फिर विजिटर वीज़ा हो। और सबसे पहले चाइना को डिस्प्लेस कर दिया इंडिया ने, पहले चाइना को मिला करते और अब किसे मिल रहे हैं, इंडिया को मिल रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 46% जो वर्कर वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर के वीज़ा है, वो इंडियंस को जाते हैं। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट था। अब आ जाते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल्स एक एडिटोरियल सबसे पहले ये देख लेते हैं, ट्राइकलर कैंपेन के ऊपर बात की गई है। हमें पता है जो आरएसएस है उसने अपना ट्राइकलर को अपना नेशनल फ्लैग नहीं माना है, जब से बनी है तब से उसके अपोजिशन में है। उनकी तरफ से जो भगवा झंडा है, जो भगवा कलर का झंडा होता है, वो हमारा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। और आरएसएस के साथ साथ जो हिंदू महासभा है जिसके संस्थापक कहा जाता है, ऑल्दो और भी थे लेकिन वीडी सावरकर जी का नाम काफ़ी आता है हिंदू महासभा के साथ, उन्होंने भी ट्राइकलर को अपना नेशनल फ्लैग नहीं माना था। इसके बाद ट्राइकलर में हमें पता है अभी अशोक चक्र है, उससे पहले चरखा होता था। तो 1930s में यहाँ अशोक चक्र की जगह चरखा था। मैंने आपको बता दिया सावरकर जी ने भी इसको अपना ट्राइकलर को अपना नेशनल फ्लैग नहीं माना था। एज सच इस एडिटोरियल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, एक दो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आरएसएस 1925 में बनी थी, इसने ट्राइकलर का अपोजिशन किया था, इसको नेशनल फ्लैग नहीं माना था। इनका नेशनल फ्लैग इनके अकॉर्डिंग भगवा झंडा है और यही कंट्री का नेशनल फ्लैग होना चाहिए। अलोंग विद दैट सावरकर जी ने भी नेशनल फ्लैग ट्राइकलर को नहीं माना था। ये था। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है वो है फ्रीबीज़ के ऊपर। फ्रीबीज़ के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स आ रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से इसको कवर भी कर रही हूँ, तो जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट लगेगा हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। क्या कहा गया है कि सबसे मेन जो चीज़ है फ्रीबीज़ के रिस्पेक्ट में, वो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीबीज़ में, इरेशनल फ्रीबीज़ में और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में डिफरेंस क्या है। और सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे जो खर्चा होता है वो इरेशनल फ्रीबीज़ पे कैसे किया, इरेशनल फ्रीबीज़ वाले खर्चे से कैसे डिफरेंट है, हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये कहा गया है कि एक एक्सेप्शन है, क्या है, ASCM एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, WTO का है ये एक मेज़र। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि सब्सिडी की डेफिनेशन इन्होंने दी है, सब्सिडी की डेफिनेशन और कहीं नहीं मिलती है, कहाँ से मिली हमें, WTO के ASCM से। इन्होंने क्या कहा गया है कि किसी भी सब्सिडी को तब एग्जिस्ट करते हुए माना जाएगा जब गवर्नमेंट या फिर कोई पब्लिक बॉडी उसके लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेगी। और क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स होगा, उस चीज़ को क्या माना जाएगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है सब्सिडी की, अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू या तो छोड़ दिया जाए या कलेक्ट ना किया जाए, उस केस में भी क्या किया जाएगा,
ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। फॉर एग्जांपल लोन वेवर है, अब गवर्नमेंट ने लोन वेव करने से मना कर दिया, लोन का जो वापस लोन को और उसके इंटरेस्ट को लेने से मना कर दिया, तो उस केस में वो क्या हो जाएगी, एक सब्सिडी हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन यही हो जाएगी सब्सिडीज़ की, केवल वो नहीं कि जो गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र पेमेंट्स करे, बट वो टैक्सेस और चार्जेस भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे जिनको गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती है, वो भी जानबूझकर। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है या फिर कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उस केसेस में नहीं, जहां गवर्नमेंट जानबूझकर कलेक्ट ना करे टैक्सेस और चार्जेस को। और क्या किया गया, यूनियन बजट 2015-16 से बजट के साथ एक एनेक्सर भी क्या किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था। उसमें क्या किया गया, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू फोरगोन, ये टर्म थी, इस रेवेन्यू फोरगोन को रिप्लेस करके टैक्स इंटेंसिव लगा दिया गया है। टैक्स पॉलिसी में कौन कौन से मेजर्स आते हैं, इन मेजर्स को हम क्या कहते हैं, टैक्स प्रेफरेंसेस। टैक्स प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि हम जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम को पब्लिक गुड के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए बिल्ट करें, सो दैट जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में टैक्स प्रेफरेंसेस को इंक्लूड किया जाता है, सो दैट कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेविंग करें और एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हो, साइंटिफिक रिसर्च हमारी कंट्री में बढ़े और कॉरपोरेट्स जो है वो डेवलप हो जाएं। लेकिन कस्टम ड्यूटी में जो कंसेशन दी जाती है वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए दी जाती है, हमें पता है। टैक्स प्रेफरेंसेस को इसीलिए क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज। टैक्स प्रेफरेंसेस टैक्स पेयर्स के लिए एक तरह से सब्सिडीज का काम करती हैं। अब एक डाटा है, डाटा नहीं है सॉरी, जो रेवेन्यू फोरगोन है, मैंने आपको बताया कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं, कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट छोड़ देती है, तो वो जो टैक्सेस हैं, वो जो चार्जेस हैं, उनके ऊपर जो पहले बार रिपोर्ट आई थी वो रखी गई थी 2006-07 में, उससे पहले इसको कभी मेज़र ही नहीं किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट फेस क्या है टैक्स प्रेफरेंसेस का, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं, जब सब्सिडीज को प्रोवाइड करवाया जाता है तो डायरेक्ट टैक्सेस पे उसका क्या इफेक्ट होता है। हमें पता है 2019-20 में क्या हुआ, जो टैक्स प्रेफरेंसेस थे वो जो कॉरपोरेट्स रजिस्टर हो रहे थे उन पे बढ़ाए गए हैं, जबकि कॉरपोरेट टैक्स को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, हमें पता है ये चीज़। और एक जो लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इसमें क्या आता है, वो है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1966 में बना था, इसने क्या कहा था कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है पब्लिक गुड्स में या पब्लिक के बेटरमेंट के लिए, उनको 6% ऑफ नेशनल इनकम होना चाहिए, मतलब GDP का 6%। और ये एक डिस्टेंट ड्रीम है, हमें पता है इतना गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट काफ़ी कम करती है। इसमें फ्रीबीज की बात की गई है, ऑल द फ्रीबीज इसमें इतने अच्छे से कवर नहीं किया गया था, तो मैंने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि फ्रीबीज के ऊपर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटी है, ये इशू काफ़ी ज़्यादा अभी भी न्यूज़ में चल रहा है। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी वोकैबुलरी, सो दैट सॉरी आई थिंक वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो गया, तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमें स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। पहली स्टेटमेंट क्या थी, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रेकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अगर कोई बिल लाया जाता है तो उसको प्रेसिडेंट के प्रायर रेकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रायर रेकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। कौन कौन से बिल्स में होती है, एक तो मनी बिल में होती है, दूसरा
किसी भी स्टेट का आपको नाम चेंज करना है या किसी भी स्टेट की आपको बाउंड्री चेंज करनी है, उस केस में आपको प्रेसिडेंट के प्रायर रेकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए प्रायर रेकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर असेंट। ये सही है, हमें पता है ऑब्लिगेटरी होता है, ऑब्लिगेशन होता है प्रेसिडेंट पे, उनको उस पर साइन करना ही होता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, ये बात सही है, और जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं होता। मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 and 3 ओनली, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हैं और आपको लगता है कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।